हेलो गाइस, आज मैं लेकर आई हूँ बहुत ही टेस्टी और बहुत ही शानदार रेसिपी मिठाई। अब बिना गैस जलाए आप फटाफट बना सकते हैं। तो ये सर्दियों में ही बनाया जाता है। ये गुजरात की फेमस मिठाई है, तो चलिए बनाते हैं। तो सबसे पहले मैंने ये 1 कप सफ़ेद तिल लिया है, ये देसी तिल है। तो इसे मिक्सी जार में थोड़ा सा इसको पीस लेते हैं इस तरीके से। तो ये देखिए, ये तिल अच्छे से ये पीस लिया है मैंने। अब इसमें मैं 2 चम्मच किशमिश डाल रही हूँ और मैंने 12-13 बादाम लिया है। आप इसकी जगह, बादाम की जगह आप खजूर भी ले सकते हैं। तो इसको भी अच्छे से मिक्सर में चला लिया है। तो ये देखिए, एक मैंने थाली में इसको निकाल लिया है। अब इसमें मैं 1 कप मैं इसमें गुड़ मिला रही हूँ, वो भी गुड़ कोल्हापुरी गुड़ है, आपको मार्केट में मिल जाएगा, इसे सफ़ेद गुड़ भी कहते हैं। तो इसे चॉपर में इस तरीके से इसे कद्दूकस कर लेना है गुड़ को। तो ये देखिए, कद्दूकस हो गया है। अब इसे इसमें मिक्स कर लेते हैं अच्छे से। तो ये मिक्स हो गया है, कहते हैं ये सर्दियों के लिए बहुत ही अच्छा है, ये गुजराती में ज़्यादा बनता है। तो इसमें 1 चम्मच मैंने इलायची पाउडर डाला है और 1/2 चम्मच ये नारियल का बुरादा। आप क्या कहते हैं नारियल के बुरादे को, तो कमेंट करके आप ज़रूर बताइएगा। इसे आप मार्केट में मिल जाएगा, आप चाहें तो घर में भी बना सकते हैं नारियल का बुरादा। और इसमें मैंने 1 चम्मच घी डाला है और इसे अच्छे से मिक्स करके, अब देखिए एक प्लेट में मैंने 1 चम्मच घी से अच्छे से ग्रीस कर लिया है। इसमें सारा ये काचरिया मिक्स कर लेना है, बहुत ही स्वादिष्ट बनेगा। ये गुजराती लोग का फेमस है, ये बहुत ही टेस्टी बनता है और आप बिना गैस जलाए ही फटाफट, ये सर्दियों के लिए हड्डियां मजबूत रहे तो ये बना सकते हैं आप। एक बार ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करिएगा। तो इस तरीके से इसे पूरा अच्छे से फैला लेना है। तो ये देखिए, मैंने अच्छे से ये फैला लिया है। थोड़ी देर इसे रख देते हैं फ्रिज में ताकि अच्छे से ये जम जाए। तो मैंने 5 मिनट ही रखा है। अब चाकू की सहायता से इसे बर्फी का आकार देते हैं इस मिठाई में। तो बीच से मैंने एक कट लगाया है चाकू से इस तरीके से, फिर साइड से मैं एक कट लगा रही हूँ। ये झटपट बन जाता है, बच्चों बड़ों को सभी को दे सकते हैं, ये हड्डियों के लिए बहुत ही मजबूत होती है और बिना गैस जलाए ये झटपट बन जाता है। आप चाहें तो ये काले तिल का भी बना सकते हैं, लेकिन सफ़ेद तिल का ज़्यादा ही स्वाद लगेगा और देखने में भी अच्छा लगेगा। तो क्या आप ये काचरिया सर्दी के मौसम में बनाते हैं, तो एक बार इसका भी कमेंट आप ज़रूर करिएगा। तो ये देखिए, बर्फी का आकार का मैंने कट कर लिया है, बहुत ही स्वादिष्ट लगता है। आप इसे 1 महीने के लिए डब्बे में भर के रख सकते हैं फ्रीज में या तो अच्छे से अलमारी में। तो ये देखिए, ऊपर से मैंने खरबूजे का बीज रख दिया, तरबूज का बीज एक एक लगा दिया है, जिससे काचरिया का स्वाद और बढ़ जाए। आप चाहे तो इसकी जगह पम्पकिन का भी बीज लगा सकते हैं। तो ये देखिए, आपका काचरिया बनके तैयार हो गया है। इस तरीके से सर्दियों में आप एक बार ज़रूर बनाइएगा। तो एक मैं दिखाती हूँ। तो ये देखिए, एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो आप लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।